कि बिहार को सबसे आगे लेके जाना है, बिहार को नंबर वन बनाना है पूरे देश में, कि ये सत्ता आने वाला है उसी सत्ता का सपोर्टर वो बनते थे। बहुत बचपन से मैं जान रहा हूँ, जिसमें चिराग पासवान जी छोटा थे, मैं 12 जनपद में जाया करता था, जिस समय से दलित सेना का स्थापना हुआ था उस समय से मैं थी, और पार्टी तो बाद में हुई, और रामविलास पासवान जी से मेरा निकट अच्छा संबंध रहा है। तो रामविलास जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है नवादा में, लोजपा रामविलास के तमाम सेना कार्यकर्ता कह सकते हैं मना रहे हैं पुण्यतिथि को। हम समझने का प्रयास करेंगे कि 3 वर्ष उनका मृत्यु का हो गया है, उनको कैसे याद करते हैं और क्या कहना चाहेंगे, रामविलास जी के जीवनी को कैसे देखते हैं, तमाम चीज़ पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजन नायक, युवा प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। तीसरी पुण्यतिथि पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे याद कर रहे हैं आप रामविलास जी? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आज तृतीय पुण्यतिथि है, सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनकी बातों को वो गरीबों शोषितों की के लिए हमेशा आगे बढ़ गए हैं, तो बस अब उन्हीं के कार्य वो जो करके गए हैं उन्हीं के क्षेत्र में अब हम लोग उनकी जो सेना है वो गरीबों और शोषितों के लिए आवाज़ उठाती है, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान रामविलास जी की एक छवि उनमें आप देखते हैं, बिहार पूरे बिहार देखती है, इसलिए वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं कि बिहार को सबसे आगे लेके जाना है, बिहार को नंबर वन बनाना है पूरे देश में, ये उनका ध्येय है, और हम लोग चाहते हैं कि 2025 में वो सीएम बनकर बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ कर करके बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, और पूरा बिहार इस बात को समझ चुका है और उनके साथ है, बिहार पर बिहारी पट को उन लेके चल रहा है, और इसी रूप में ये हम लोग को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने का काम होगा कि उनकी छवि के जो उनके पुत्र हैं उनको सीएम बनाएंगे और शोषितों के लिए गरीबों के लिए वो काम करें। क्या नाम हुआ आपका? राजन नायक, युवा प्रदेश महासचिव, लोजपा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हूँ, नवादा जिला के। उनको मौसम वैज्ञानिक के नाम उपनाम से भी जाना जाते हैं, क्या थे मौसम वैज्ञानिक, मतलब क्या है? हाँ, मौसम वैज्ञानिक इसलिए जाने जाते थे कि वो 30 वर्ष अगर वो सांसद बने तो 30 वर्ष वो सत्ता में रहे, किसी भी दल का, चाहे वो भाजपा का बने, लोजपा का बने, आरजेडी का बने, जदयू का बने, कांग्रेस का बने, किन्हीं दल का अगर पीएम बने उसमें उनको बहुत बढ़िया कैबिनेट में मंत्रालय मिला है और वो सत्ता में रहे हैं, इसीलिए उनको मौसम विज्ञान कहा जाता था, कि जानते थे कि ये सत्ता आने वाला है उसी सत्ता का सपोर्टर वो बनते थे, इसलिए उनको मौसम विज्ञान कहा जाए। देखिए, लोजपा रामविलास का कह सकते हैं बहुत पुराना कार्यकर्ता इनको, और बुद्धिजीवी और तमाम चीज़ों पर इनसे बात करेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे आज? आज हमारे पार्टी संस्थापक रामविलास जी का तृतीय पुण्यतिथि है, हम श्रद्धा सुमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और कहना चाहेंगे कि हम लोग तो पार्टी संस्था जब से पार्टी का निर्माण हुआ था उसी समय से उनके साथ हैं। कभी मतलब स्टेज शेयर करने का मौका मिला रामविलास जी के साथ नवादा में या कहीं और? जी, नवादा में हरिचंद स्टेडियम में 2001 में हमारी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, चौहर्मल जयंती समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हमारे पार्टी संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, और भव्य समारोह हुआ था हरिचंद स्टेडियम में 2001 में, हमारे सहयोगी भी हैं, और हमारे जहाँ तक पार्टी संस्थापक की बात है, वो पार्टी संस्थापक जिस सरकार इनके बगैर सरकार बना ही नहीं, रामविलास जी के साथ रह कर ही सरकार चलता था, इसलिए इनको सरकार में लेना बहुत ज़रूरी था, ये बहुत अनुभवी आदमी थे, और जब आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 2020 में जब देश में कोरोना काल हुआ और आवागमन यातायात बंद हो गया, गरीब गुरबा भोजन के लिए त्राहिमान हो गया, तो हमारे पार्टी संस्थापक उस समय जीवित थे, रामविलास पासवान जी ने मुफ्त में अनाज देने का काम किया जब तक वह हॉस्पिटल में भर्ती थे, और आज तक उन्हीं का दिया हुआ, आज तक वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। आप लोग चिराग जी में रामविलास जी का कितना राजनीतिक गुण देखते हैं? मैं प्रोफेसर विष्णुदेव पासवान,
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ। रामविलास पासवान जी अपने पुत्र चिराग पासवान जी को बहुत बचपन से मैं जान रहा हूँ, जिसमें चिराग पासवान जी छोटा थे। मैं 12 जनपद में जाया करता था, जिस समय से दलित सेना का स्थापना हुआ था उस समय से मैं हूँ, और पार्टी तो बाद में हुई। और रामविलास पासवान जी से मेरा निकट अच्छा संबंध रहा है, हर पार्टी के लोग इनको चाहते थे, और 7 बार उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ रहा, 9 बार MP भी रहे, मंत्रिमंडल में भी रहे। आज पूरे भारत में गांव-गांव तक इनका तृतीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। रामविलास पासवान आज भारत में एक बहुत बड़ा नेता को हम लोग खो चुके हैं। रामविलास जी सच्चे दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हाजीपुर में जोनल ऑफिस खोला रेलवे का। जोनल ऑफिस का मतलब है कि हजारों की संख्या में नियुक्तियां होनी, परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ऊपर को लड़कों को या तो कि रोजगार मिला, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। बिहार का विकास हुआ, हाजीपुर का विकास तो हुआ ही, पूरे बिहार में नाम रोशन हुआ रेलवे के संदर्भ में कि जोनल ऑफिस खुला। तो तमाम लोग नवादा में मना रहे हैं रामविलास जी की तीसरी पुण्यतिथि। तमाम लोगों से बातचीत के साथ कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप सब देख रहे हैं मगही आवाज़, मैं सनू, धन्यवाद।